पंजाब भवन चंडीगढ़ विखे गन्ने नाल संबंधित किसानां दीआं मुश्किलां गन्ना मिलां दे नाल संबंधित किसानां दीआं समस्यावां और कई किसान यूनियन दे जिहड़े सीनियर अहुदेदार साहिबान साडे अफसर साहिबान वित्त मंत्री साहब अज असीं उत्थे काफ़ी अच्छे माहौल दे विच बहुत खुशगवार माहौल दे विच अज मीटिंग हुई है और पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिदा कुछ दिन पहला तक इंडिया दे विच सब तो बेस्ट रेट गन्ने का 380 रुपये पर क्विंटल सी और कुछ दिन पहला 14 रुपये खट्टर साहब ने बधाए तो 386 हो गया उन्होंने साढ़े को 16 गन्ना मिला ने जी 9 कोऑपरेटिव ने साड़ी सरकार दिया ने 7 प्राइवेट और साड़ी सरकार आने तो बाद 700 करोड़ रुपया असी जिहड़ा शुगर केन डिपार्टमेंट का शुगर फैट डिपार्टमेंट का असी दिता जो कि पुरानी गवर्नमेंट छड के गई सी इन्हां कर्जा सो 700 करोड़ असी दिता हो इस वक्त पंजाब सरकार ने कोई पैसा नहीं देना शुगर फैट का सिर्फ 2 मिलां इहो जिहियां ने जिन्हां ने गन्ने का पैसा देना है किसानों का 46 लाख रुपया तो एक धूरी की मिल है 14 करोड़ 86 लाख रुपया वह भी असी उन्हां तो रिकवर कर रहे हैं पिछले दिन ही तुम सुनया होना तुहाडे कैमरे राही बोलिया भी होना दस्या भी होना दिखाया भी होना कि फगवाड़े की जिहड़ी शुगर मिल है वो जिहड़े मालक सीगे उन्हां ते परचा भी होया तो उन्हां दी प्रॉपर्टी अटैच भी की है तो वह प्रॉपर्टी नूं वेच के किसानों का जिहड़ा बकाया गन्ने का वह दिता जाऊगा सो अज बहुत वधिया माहौल च गल हुई है और सब तो खुशी की गल यह है कि जिहड़ा रेल रोकना जां सड़क रोकना यह जिहड़ा ट्रेंड है इहनू खत्म करन लई अज खास तौर पर विशेष तौर पर गल हुई कि इस तरह की नौबत आनी नहीं चाहिए भविख के विच गल करन दे होर बहुत सारे माध्यम ने गल करन दे होर बहुत सारे वैन्यू ने जिमें कि पंजाब भवन है सो ये करना कि लोगों तंग करके ही सरकार ना गल करांगे ये गल चंगी नहीं सो सारिया यूनियन ने इस गल ते सहमति प्रकट की है कि जो लोगों मुश्किल हुई ने भविख के विच नहीं आने चाहिए है जो तक गन्ने दे रेट नूं वधाउण बारे है पंजाब हमेशा हर गल च टॉप ते रहा है ते वादा कीता है क्योंकि जे साडे कोले पैसा होगा तो असी पब्लिक नूं दे दांगे और खेती क्योंकि धुरा है साडे पंजाब दा अग्रेरियन स्टेट है तो फिर जे मिलां जिहड़ियां ने ओह कमा रहियां ने तो वो किसान भी वह पैसा मिलना चाहिए सो आने वाले दिनों एक बड़ी खुशखबरी भी कस गन्ना उत्पादकों मिलेगी रेट के रूप के फिर जो हड़ा वेले नुकसान होया मुआवजे के रूप च सारे अधिकारी मेरे नाल अज मौजूद से उत्थे ते सब तो वधिया गल हुई है कि उन्होंने वादा किया कि वो रेलवे ट्रैक तो फ्री हो गया तो जिहड़ी हाईवे का जो सर्विस रोड चल रही है तो वह दूजा भी जिहड़ा मेन हाईवे वह भी खुल जूगा भविख दे विच इस तरह की नौबत ना सरकार वाले पासों ना ही किसी भी संगठन वाले पासों भावें वह किसान यूनियन ने भावें वह कोई मुलाजम जथेबंदियां ने भावें कोई दुकानदार ने व्यापारी ने यह ट्रेंड जिहड़ा आम लोगों को तंग करन दा उहदे नाल देखो आम लोग ही फिर उन्हां संगठनों के विरुद्ध हो जाते हैं कि सानू क्यों तंग कर रहे हो 3-3, 4-4 घंटे पिंडां बिजली लंघ रहे हैं तो लोग कहिंदे ने यार साडा की कसूर है इहदे च लोग कहिंदे ने यार होर इन्हां दा की कर देने दू बाद
जिन्ना हो रहा है। सो सारे पंजाब दे विच असी खुशखबरी जां खुशहाली वाला माहौल लेके आना है, ना कि यह कि कोई कल नूं फिर बह गया जां परसों नूं वह बह गए, मैं आपका केडर बचाउणा है, मैं आपका केडर बचाउणा है, वह ना कामयाब हो जाए, ये ना कामयाब हो, ये गल्लां जिहड़ियां इह छड्डणियां पैणियां। पंजाब ने नंबर वन सूबा बनना है तो सारे नूं मिल के काम करना पऊगा। सो अज गन्ना उत्पादकां नाल गल हुई है, यूनियन दे मैं लीडर नाल भी गल हुई है, कल नूं असीं जिहड़े मिलर्स ने उहनां नूं बुलावांगे ते उहनां नाल भी गल करांगे कि तुहाडा किन्ना, क्योंकि अज कल गन्ने तो कल्ली खंड नहीं बनती, गन्ने तो एथेनॉल होर बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लग गए खंड के अलावा। सो इस करके जे उन्होंने प्रॉफिट हो रहा तो उन्होंने प्रॉफिट भी नहीं असं घटा चाहते, क्योंकि वो जे गन्ने ही नहीं बीजूगा कोई तो मिलना किमें चलाएंगे, तो वो उन्होंने जिस तरह ही मार्क फैड है, जे असी मार्क फैड में उपर लेके जाने तो जोड़े साढ़े वेरका वाले जोड़े साढ़े किसान ने डेयरी वाले उन्होंने फायदा होंगे, क्योंकि वो सोसायटी के पार्टनर ने। सो इस करके सरकार कदे भी खास तौर पर पंजाब सरकार कदे भी कोई पैसा लोगों तो लुकाउंदी नहीं, भावें वह बिजली दे बिल माफ़ करन दे रूप च, भावें आम आदमी क्लीनिकां दे रूप च मुफ्त दवाइयां दे रूप च, भावें वह रोज़गार देण दे रूप च, भावें वह इत्थे नवे रोज़गार के मौके प्राइवेट सैक्टर पैदा करन दे रूप च, भावें वह जिस तरीके नाल भी लोगों नूं हैल्प चाहिए सहूलत चाहिए है, असी लोगों का पैसा लोगों ते लाउण तो कदे गुरेज नहीं करते। सो बड़े वधिया माहौल च गल हुई है और एक दो दिन बाद जिहड़ा सारिया मीटिंगा करके तो इहदा मतलब हल तो निकल ही गया, मतलब कुछ जिहड़ियां नवीं अनाउंसमेंट्स जिहड़ियां हो जाएंगी। हाँ जी, कल वो भी नाल ही है जी। नहीं जी, देखो मैं किसी ने क्रेडिट बार नहीं कहता, देखो गन्ने के रेट इदा नहीं होंगे कि जो उन्हें बधाते जो तो उत्तराखंड 340 रुपये नहीं अज कि कोई मैं अनाउंस कर रहा फिर लागू तो सरकार करूगी, मतलब कोई ये ना कोई कहे कि अभी सड़क रोक के ज रेलों रोक के असी जो बधा ले जस असी जित गए, इतने कोई जितन हार की लड़ाई नहीं सी, अज भी कोई जितया हारे नहीं, साढ़े ही ने भी खेती करने वाले कौन ने, साढ़े छोटे भैन भाई भरा मावं चाचे ताए बापू साढ़े ही ने, सो कोई जितन हार की लड़ाई नहीं हैगी कि अज कौन जित गया जी, अज कि की कहता जी, अज इन्होंने ऐ कहता जी, जो कोई है जी 26 जी केंद्र नाल संबंधित मंगा ने, उन्होंने केंद्र नाल संबंधित मंगा लेके आ रहे हो। देखो मामले तो सुप्रीम कोर्ट तक फिरते जी, तो पराली का मामला तो सब जुडिस है, कोई कहता जी इनू किवें बचाओगे, कोई कहता जी हरियाणे तो सीखो, हरियाणा पता नहीं कि स्विट्जरलैंड बना लिया, मतलब कि साडा तू इतों पाइपां च पा के भेजदे दिल्ली असी, तो हरियाणे का भी तो तू है नहीं मनते जी ना, हरियाणे तो सीखो आ कल कहते कोई पता नहीं कि गलत कहते यूपी तो सीखो, असी क्या जहाँ यह नहीं किया जो हरियाणे ने करता, ये नॉर्थ इंडिया की नहीं, मैं कहना असं मध्य प्रदेश गए थे, मध्य प्रदेश भी पराली अग लगी हुई सी, पूरे सेंट्रल तो नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये वास्ते मोदी साहब नूं अगे आना चाहिए। जे वह जे मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं यूक्रेन तो मतलब रशिया की मैं जंग रुकवा के मैं अपने बंदे कढ़ा ले, तो यह तो कुछ कुछ भी नहीं, फिर सानू बुला लैन सारे, मुख्यमंत्री सारे बुला लो, राजस्थान का मुख्यमंत्री बुला लो, तो पंजाब का बुला लो, हरियाणा का बुला लो, यूपी का बुला लो, मध्य तो दसो भी पराली का की हल करिए, यह तो कोई धमकियां वाली गल तो नहीं, हूँ सदी के एम एस पी खत्म कर देंगे जी, आ कर देंगे, वो इदा किमें हो जूगा एम एस पी खत्म करके, तुम्हें कोई हल कढ़ो, हल अभी तो दस्या हुआ सी पहला कि हल एक ही है कि जिवें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि पैसे दो जां फिर क्रॉप डाइवर्सीफिकेशन आ जाए, जे असी बदलांगे जे आप कोई फसल बदलांगे, फर्ज कर लो असी कहता कि अपनी अद्धी जमीन ते 50% ते तुसी कोई होर फसल ला लो, किसी ने सूरजमुखी ला ली, किसी ने मक्की बीज ली, ठीक है ना, कोई भी फसल बीज ली उस इलाके की उपजाऊ शक्ति मुताबक,
ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, 5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਚਲੋ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1,10,000 ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਈ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ, 4 ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ, ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਗਵਰਨਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖੱਟਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਜੁਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਅੜੀਅਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਲਿਆ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਚਾਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਲੈ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਹਵਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਕਦੇ ਸਰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਝੋਨੇ ਤੋਂ MSP ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਪਜਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੱਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਚੱਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ,
इधरले पास साढ़े जिहड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है। सो इस करके सानू इस गल की जिहड़ी सहूलत चाहिए है, गरंटी चाहिए है कि असी आपदे ही नौजवान मुंडे फौज भर्ती करते हैं, बाद कोई इतने घटना हो जाए सानू केंद्र तो फौज लैनी पै जाए, सानू रेंट पर देंगे ने जी, वो किराया देना पैंता सानू उन्हां दा, ते साडे अग्निवीर कह के साडे तां बच्चे दीआं लाशां सुट जांदे ने इदां ही एंबूलेंस तो प्राइवेट चो करके। सो पंजाब जिहड़ा वो हमेशा लीडर रहा, लीड करता रहा हर इनकलाब नू, अज भी इंटरनेशनल बॉर्डर ते साडे धीआं पुत बैठे ने जिहड़े उन्हां दीआं छातियां जिहड़ियां ने उडाईआं होईआं ने। सो इस करके पंजाब जिहड़ा देश दा सब तो खुशहाल सूबा बनूगा, तां असी नंबर वन बणांगे, होर कोई तरीका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करांगे जी, आज 3 तरीक तो सैशन चल रहा है, साढ़े राज्यसभा के लोकसभा के मैंबर ये मामला उत्थे उठाएंगे।